ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वाशिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहाँ जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परमाश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ वहाँ पहुँचकर मैना विद्यमान थी। वहाँ पहुँचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो, यह रूप प्रकट करके उन करुणा में शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवपूर्ण, दुतिमान तथा चंद्र लेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की स्तुति सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्र देव ने मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चमर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय मैं भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय वह इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देख कर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे हैं। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप वे सब देख कर मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली ये वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल और उसी की सारी क्रियाएँ सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है, पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया।
इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खिलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुने, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। ओम नमः शिवाय।